There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. News Laundry की टीम अभी भी वेस्ट बंगाल में है. करंटली हम लोग हल्दिया में हैं, जो कि नंदीग्राम के पास है. नंदीग्राम पोल्ड यस्टरडे. दिस वॉज अ वेरी हॉटली कंटेस्टेड सीट. द टू प्राइम कैंडिडेट्स व ममता बैनर्जी एंड हर फॉर्मर ल्यूटेनेंट सुविंदु अधिकारी, हु इज करंटली विद द बीजेपी एंड ही प्रोबेबली विल बी विद द बीजेपी फॉर अ लॉन्ग टाइम. One of the chief features about elections in West Bengal is political violence. Right from the time of the left to the TMC, political violence has been a key feature of politics here. In fact, 2018 के पंचायत elections के time हालात इतने ख़राब थे कि TMC के डर से काफ़ी जगहों पे लोगों ने nominations तक file नहीं करे. So close to 30% seats went uncontested and TMC won there even before the elections. इस लेफ्ट वर्सेस टीएमसी में अब न्यू एंट्रेंट है बीजेपी. पिछले 3 साल से काफ़ी प्रोमिनेंट है. लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी गार्नर्ड बिग टाइम इन वेस्ट बंगाल. दे गॉट क्लोज टू 40% सीट्स एंड नाउ द कॉन्टेस्ट इज मोस्टली इन वेस्ट बंगाल बिटवीन द टीएमसी एंड द बीजेपी एंड दीज आर द टू वॉरिंग फ्रैक्शंस. बीजेपी की एंट्री से पार्टी वायलेंस में, जो पार्टी वायलेंस पहले होता था वन पार्टी अगेंस्ट द अदर में, एक हिंदू मुस्लिम ट्विस्ट भी आ गया, जो कि नंदीग्राम में बहुत विजिबल था. अब दीदी हिंदुत्व के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही हैं. उन्हें समझ आ चुका है कि बंगाल ने भगवान रंग से खुद को रंगने का मन बना लिया है. आई थिंक द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज बिकॉज सुविंदु अधिकारी कैंपेन पिच हियर हैज बीन वेरी पोलराइजिंग. मोस्ट ऑफ हिज स्पीचेस ही इज कॉल्ड ममता बनर्जी थिंग्स लाइक खाला, बेगम, फूफी. He's told his electorate कि अगर आप ममता बनर्जी को वोट देंगे तो आप लोगों को बिंदी नहीं पहनने देंगे, या आपको तुलसी की माला नहीं पहनने देंगे, आपको धोती नहीं पहनने देंगे. बहुत जगहों में जा के उन्होंने बोला है कि ये नंदीग्राम मिनी पाकिस्तान बनने लग गया है. दिस इज़ अ डॉग विसल टू इंडिकेट एट एरियाज विच हैव अ मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन विद इन नंदीग्राम, रेजिडेंशियल एरियाज और कॉलोनीज एंड स्टफ लाइक दैट. सो ही इज़ ऑल्सो रिपीटेडली सेड कि पाकिस्तान बन जाएगा, मिनी पाकिस्तान है. इसमें सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है कि सुविंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही 2016 में जीते थे टीएमसी की सीट से, और उस वक्त वो मुस्लिम इलेक्टोरेट को वू कर रहे थे, और आज उसी मुस्लिम इलेक्टोरेट को वो एंटी इंडिया या पाकिस्तानी जैसे नाम बुला रहे हैं. नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नोटिस्ड हियर एंड वी ऑब्जर्व्ड हियर इज दैट व्हेन अ कॉन्टेस्ट इज सो पोलराइज्ड एंड व्हेन इट इज सो वन वर्सेस द अदर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फिगर आउट व्हाट द ट्रूथ इज. काफ़ी इंसिडेंट्स हुए जब हमें टीएमसी वाले कुछ बोलेंगे और बीजेपी वाले कुछ बोलेंगे और दोनों एक दूसरे को अक्यूज करेंगे, और हमको बहुत मुश्किल हो जाता था पता करने में कि सच्चाई क्या है इन दोनों के बीच में. यहाँ पे इलेक्टोरेट मोस्टली काफ़ी साइलेंट है, ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता. जो लोग बात करते हैं वो लोग या तो टीएमसी के वर्कर्स होते हैं या बीजेपी के वर्कर्स होते हैं, और नेचुरली वो दोनों अपना विक्टिमहुड प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो अपना पक्ष लेना चाहते हैं, और वो दूसरे पार्टी को बहुत गलत बताना चाहते हैं. तो इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि इसमें सच्चाई क्या है दोनों लोग जो बोल रहे हैं. और अडल्ट्स जो हमें मिले बीजेपी या टीएमसी के लीडर्स, वर्कर्स, सपोर्टर्स, वो बहुत कोच्ड, बहुत रिहर्स्ड हैं. दोनों ही साइड में बहुत भक्त हैं. ममता बनर्जी की भी बहुत भक्त हैं यहाँ पे, सुविंदु अधिकारी की भी बहुत भक्त हैं यहाँ पे. तो एक बहुत रिहर्स्ड और कोच्ड हमें रिस्पॉन्सेज मिलते थे जब भी हम लोगों से बात करते थे. इस सब में हम एक बहुत रिफ्रेशिंग कैरेक्टर से मिले एंड आई थॉट वी शुड शेयर दिस इंटरव्यू विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दैट वी मेट इन नंदीग्राम विद यू गाइज. सो वॉच इट. आपका नाम? मैं एक्शा. और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हम क्लास 8 में पढ़ते हैं. और कहाँ है आपका स्कूल? यहाँ से दूर है, पास है? हाँ, हमारा स्कूल बहुत दूर है, यहाँ से दूर है बहुत, और हल्दिया में है, पौड़ोसभा में है. अच्छा, और आप स्कूल कैसे जाती हैं? आपके पापा छोड़ते हैं या आप खुद से बस में जाती हैं? पापा छोड़ने जाते हैं नदी के पास, फिर वहाँ पे नदी क्रॉस करने के बाद बस आते हैं. हम बस से जाते हैं पर बस बहुत घूम घूम कर जाते हैं, एकदम मैसदौल से घूम के जाते हैं, तो लेट हो जाते हैं. इसके वजह से घर में आके पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर ट्यूशन भी होता है, बहुत रात तक जाग के पढ़ना पड़ता है. प्रेशर बहुत पड़ रहा है अभी. ओ गॉड, 8th स्टैंडर्ड में इतना प्रेशर पड़ रहा है आप पे? यस. अच्छा, तो सुबह आप कितने बजे निकलती हैं स्कूल? हम सुबह 8 बजे को यहाँ से निकलते हैं और शाम को आते हैं 6:30 बजे 7 बजे तक. फिर कोई पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, फिर बस थक के सो जाओ? नहीं, सोने के नहीं, फिर आके आधा 15 मिनट रेस्ट मिलता है, फिर आके सर आ जाते हैं पढ़ाने.
सर आने के बाद सर पढ़ाएंगे अभी 8:30 तक, फिर मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा, फिर पापा को बोलेंगे थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि होमवर्क भी रहता है स्कूल का, वो भी करना पड़ता है, ट्यूशन का पढ़ाई बाकी है, और इसके लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। सैटरडे संडे छुट्टी? हाँ सैटरडे संडे छुट्टी स्कूल का है पर ट्यूशन का नहीं है। तो अब छुट्टी टाइम पे क्या करती हो? छुट्टी टाइम को ज़्यादातर कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, हैंड हाथ से कुछ क्राफ्ट बनाते हैं। जैसे कि लैम्प, कार्ड और ऐसे ही पेन स्टैंड बनाते रहते हैं, और कभी कभार घर का काम भी कर लेते हैं, थोड़ा मम्मी का हेल्प कर देते हैं। क्या करती हो मम्मी का? मैं ऐसे ही फ्लोर साफ कर देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ कभी कभार, और बॉटल एकदम अच्छे से धो वो के पानी भर लेते हैं वहाँ पे, और बेड कवर बेडशीट कवर चेंज करते हैं। अच्छा, पिक्चर नहीं देखती फ्री टाइम में? मूवी हाँ वो देखते हैं, कार्टून देखते हैं ज्यादातर। कौन सा कार्टून अच्छा लगता? छोटा भीम, डोरेमोन। डोरेमोन अच्छा लगता? हाँ। और पिक्चर में कौन अच्छा लगता है, कौन सा एक्टर एक्ट्रेस पसंद? कार्तिक आर्यन। ओह कार्तिक आर्यन। और एक्ट्रेस? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। आलिया भट्ट और कार्तिक आर्यन आपको पसंद है। अच्छा एक बात बताइए कि अब इलेक्शन आ रहा है तो सब लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में, ये वो, आप समझते हैं कुछ कि क्या हो रहा है आसपास? मुझे ना इलेक्शन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग काम बोलते हैं ज़्यादा पर करते नहीं है कुछ, ज़्यादातर झूठ ही बक के चले जाते हैं। पहले तो बोलेंगे हाँ ये करेंगे वो करेंगे, फिर जब जीत जाएंगे फिर वो सब कुछ नहीं करते, भूल जाते हैं कि मैंने कुछ कहा था, हाँ बाबा ये करना है वो करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्रिज, अगर यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया जाए ना तो बहुत टाइम बच जाता है बच्चों के लिए और जो काम करने जाते हैं, पर ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। कब कितने सालों से कह रहे हैं कि ब्रिज बनाएंगे पर यहाँ पे ब्रिज नहीं बना रहे। तो ये ब्रिज नहीं बनने की वजह से आपका स्कूल का टाइम बढ़ जा रहा है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 5 या 6 मिनट तो लगता है, फिर जब तक ये एक नाव भरेगा फिर जाके नाव छोड़ेगा, तो बस कभी कभार निकल जाता है, तो मुझे स्कूल बहुत मतलब लेट पहुँचते हो तो पापा ले जाते हैं, फिर यहाँ घूम घूम के बहुत दूर है, इसलिए ब्रिज अगर बना दिया जाए तो अच्छा होगा। तो आप चाहते हो जो भी यहाँ आए अगला वो ब्रिज बनाए? हाँ ये पहले बनाना चाहिए, क्योंकि स्कूल के लिए है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कभी कभार ना पानी जब कम हो जाता है ना तो हमें वैसे मिट्टी के ऊपर से जाना पड़ता है चल के, फिर पाँव धो ये करो, जूते खोलो, ऐसे करो सॉक्स, इससे स्कूल यूनिफॉर्म भी गंदा हो जाता है, तो स्कूल में भी जाके डांट मिलता है बहुत। अच्छा स्कूल में आप क्या चेंज चाहती हो? स्कूल बिल्कुल सब कुछ ठीक लगता है आपको? लगता है स्कूल में भी कुछ कुछ बदलाव होना चाहिए? स्कूल में सब कुछ तो ठीक ठाक है, टीचर्स भी अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं हमारे टीचर्स, सब कुछ ठीक है स्कूल में। क्या चेंज, अगर आपको कोई पॉलिटिशियन कल आ जाए यहाँ पे, मोदी ममता कोई भी आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि स्कूल में ये चेंज होना चाहिए? स्कूल में मुझे चाहिए ना तो क्या बताओ, हाँ ये एक रूल्स है जो हमारे स्कूल में कहते हैं कि इंग्लिश में बात, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में बात करो, तो हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं कभी कभार, पर कोई कोई टीचर्स ऐसे होते हैं ना इफेक्ट नहीं देते कि बात करो इंग्लिश में, छोड़ देते हैं, पर कुछ कुछ टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स देते हैं कि आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो हम लोग करते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि ये सबको ऐसा टीचर्स लोगों को ऐसा कहना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो जिस मीडियम में वैसे ही बात करो, अच्छी तरह से बात करो, हमें भी इंग्लिश में इंक्रीज करना है ना मुझे, तो मुझे यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश? यस। यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू वांट कि टीचर्स शुड मेक यू स्पीक इंग्लिश एंड नॉट लेट यू स्पीक हिंदी और बंगाली एनी अदर लैंग्वेजेस बिकॉज यू वांट टू। अच्छा व्हाट डू यू वांट टू डू? आई वांट टू बी अ पुलिस। Oh, you want to be a police? IPS. Why? I like it. I don't know what I like. I want. Why? What do you like about police? Their uniforms. Okay. They have a power because कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हम नॉर्मली अगर कोई आके बोले ना तो ये मत करो ये गलत है, अगर वही आके कोई पुलिस आके कहे कि ये गलत है तो हाँ ये गलत है मैं ये नहीं करूँगी, पर नॉर्मली अगर कोई लोग आके कहे, पर वो नहीं करना है मुझे ऐसा, मुझे पुलिस इसलिए होना है क्योंकि मैं लड़कियों के लिए मतलब एक जो पावर होता है ना वुमेन्स पावर वो नहीं होता है, कभी कभार नहीं होता है, तो ये चाहिए। तो आप यूनिफॉर्म पहन के सबको? हाँ मुझे पीटना है। किसको पीटोगी? गंदे गंदे लोग हैं उन्हें पीटना है, बहुत बहुत पीटना है, एकदम खून निकल दे। बाप रे इतना मतलब मुझे तो बहुत डर लगेगा, आप मेरी पुलिस, आप मेरी एरिया की पुलिस इंस्पेक्टर होंगी तो मैं तो बहुत बच के रहूं। नहीं नहीं आप तो अच्छे हैं ना, जो गंदे हो गंदों के साथ गंदे, अच्छे के साथ अच्छे बनना चाहिए। अच्छा
तो पुलिस आपको, और कब से आपको बचपन में, कब से आपने पहली बार सोचा कि हाँ मुझे पीटना है लोगों को, मुझे पुलिस में जाना है? क्या ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा काश मैं पुलिस में होती तो मैं इसको सिखा देती? सब नहीं है, मैंने क्लास 4th स्टैंडर्ड में सोचा था कि मुझे पुलिस होना है। क्यों? उस टाइम मतलब हमेशा टीवी में दिखाते थे कि ऐसे लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई एसिड फेर रहा है और रेप वेप बहुत हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि हाँ मुझे पुलिस होना है, मुझे ये सब बंद करना है। उससे पहले था ना कि मुझे पायलट बनना है। क्यों वो बनना है? क्योंकि वो सबसे अनकॉमन है और यहाँ पे कोई नहीं है पायलट, मुझे बनना है पायलट, पर अभी नहीं, अभी मुझे पुलिस ही बनना है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप पुलिस बन जाओ और फिर मैं, मेरे इलाके में कोई चोरी हो रही है तो मैं आप ही के पास फोन लगाऊंगा। जरूर। अच्छा एक और बात बताइए, तो ये आपने कहा कि पॉलिटिशियंस का सबसे आपको ये अच्छा नहीं लगा कि वादा करते हैं फिर निभाते नहीं हैं, अब आप बताइए कि अच्छा क्या लगता है आपको पॉलिटिशियन के बारे में? कोई पॉलिटिशियन पसंद है वैसे, देखते देखते हो तो कुछ लगता है कि हाँ ये अच्छा है? इतना तो मैं न्यूज नहीं देखती ज्यादा। गुड, वेरी गुड, मत देखना भी। अच्छा हाँ, पापा न्यूज जब देखते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं क्यों देख रहे हो, इससे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्यों देख रहे हो, फिर आके कोई भी आएगा घर में तो आप न्यूज के बारे में ही बात करोगे, इसने वो कहा था उसने वो कहा था। तो आपको पापा को पसंद नहीं और आप भी पापा की तरह, आपको भी लगता है रहने दो कोई फायदा नहीं है? हाँ मुझे पॉलिटिक्स इतना अच्छा पसंद नहीं। और न्यूज में कोई ऐसा एंकर है जो आपको अच्छा लगता है, कभी कुछ देखा है न्यूज में जो अच्छा लगा? सुमन अच्छा लगता है, एबीपी आनंदो का जो है ना वही अच्छा लगता है। और उनका क्या अच्छा लगता है? वो जब बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे क्यूट सा लगता है वो। अच्छा लगता है। अच्छा आपके स्कूल में कितने दोस्त हैं? मेरे क्लासमेट सब, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड कौन? बेस्ट फ्रेंड साक्षी कुमारी। और साक्षी कुमारी और आप बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ, आप बीच के बीच में लड़ाई होती है? नहीं कभी नहीं हुई आप। अच्छा, किसी कुछ किसी की चीज को लेकर लड़ाई नहीं? तो आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स क्यों? क्या शेयर करते हो कॉमन? हम सब कुछ शेयर करते हैं, मतलब घर के बात भी शेयर करते हैं और उसकी मम्मी जो बना के आती है मुझे देती है, मैं हम लोग खाना वाना सब शेयर करते हैं। ज्यादातर हम एक साथ बैठते हैं, हम लोग एक साथ ही बात करते हैं वैसे, और झगड़ा कभी हुआ नहीं है अभी तक और शायद ना हो। नहीं होगा। तो जब इलेक्शन टाइम में टेंशन होता है गांव में, टीएमसी लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, कहीं यहाँ पे नारे लग रहे हैं कहीं वहाँ पे नारे लग रहे हैं, तो आप पे कुछ प्रभाव पड़ता है इसका जब आप सुनते हो कुछ कि लड़ाई हो रही है? हाँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा अरे जो जीतेगा जीतेगा, किस्मत के ऊपर है, अभी से झगड़ा करके क्यों, अपना बेस्ट दो फिर सब कोई आपको वोट देगा ना, आप अपना बेस्ट करो, आप अपना बेस्ट करो, लड़ो मत। हाँ यही कहना था। लड़ाई यहाँ पे बंगाल में स्पेशली कहते हैं बहुत लड़ाई होती है लोगों के बीच में, पॉलिटिशियंस वर्कर के बीच में लड़ाई बहुत होती है पार्टी को लेके, तो उन लोग को आप यही बोलोगे कि मत लड़ो, अपना बेस्ट दो और सब मतलब हम सब कॉमन इंसानों को समझो कि हमें चाहिए क्या है, वो करो जो हमें पसंद है, क्योंकि उन वो लोग हैं क्यों, हम लोग उन्हें वोट दे रहे हैं ना, इसलिए वो अभी तक है, नहीं तो उन लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वेरी गुड, क्योंकि हमें इतने बच्चों से बात करा वो बहुत शाय हो जाती हैं, डर जाती हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वेरी गुड। कैसे कॉन्फिडेंस इतना आया? आप कुछ मिरर में देख के वो करती हैं, बातें करती हैं अपने आप से? मैं करती थी बचपन में बहुत। नहीं इतना, इंटरव्यू भी लेती थी लोगों का अपने मन ही मन। अच्छा नहीं, मैं कभी कभार मतलब फ़ोन में वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा फ़ोन में किसकी का वीडियो? अपना वीडियो? हाँ खुद का। क्या क्या करते हुए? डंडा मारते हुए लोगों को? नहीं ऐसे ही म्यूजिक का मतलब लिपसिंग विक्सिंग कर लेती हूँ। टिकटॉक में करती हो या किसी और? नहीं ऐसे घर में खुद का टिकटॉक बना के खुद ही देखती हूँ। अच्छा उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है? हाँ एक बार मैंने छोड़ा था गलती से, पोस्ट हो गया, मम्मी ने इतना धोया चप्पल से पीटने लगी थी मुझे। कि डॉटर ने पूरे पोल खोल दी, चप्पल से मारा मुझे। और हाँ फिर डांटने के बाद बोला ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा, तो नहीं करते अभी घर में ही बनाते हैं वीडियो, घर में खुद देखते हैं, मम्मी को दिखाते हैं और एक अप्पी आती है उन्हें भी दिखाते हैं, अब बोलते हैं हाँ अच्छा है करो, वो बोलते हैं तुम करो ऐसे वीडियो छोड़ो, तो अगर मैं छोड़ूँ तो मेरी मम्मी मुझे फिर से धोने लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्शन में मैंने बोला बीजेपी टीएमसी की तो लड़ाई होती है, फिर हम बहुत सुनते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी लड़ाई हो गई है, कि फैमिली में लड़ाई हो गई है या कहीं पे दंगा हो गया है या कहीं पे नारे लग गए हैं, तो इस बारे में आप सुनती हैं?
हाँ ये बहुत सुनते हैं हम। और आपको सुनते हैं तो आपको कैसा? मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा। सब इंसान एक ही जैसे होते हैं, सबके अंदर एक क्वालिटी नहीं होता है ना, पर खून सबका एक ही होता है। ये किसने बोला आपको खून सबका एक? मतलब कलर तो सबका रेड ही होता है ना, पर ये सब जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता है ना, ये सब ज्यादातर हम लोगों को स्कूल में बहुत सहना पड़ता है, स्पेशली मुस्लिम्स को। तो बहुत लोग कहते हैं कि यार ये मुस्लिम है, इससे बात मत करो, इसका खाना मत खाओ, इसने कैसा ना, ये कैसा वो, ऐसा चल रहा है, देख ये लोग घर में नमाज पढ़ते हैं, अजान होने के टाइम बहुत लोग कहते हैं कि अजान हो रहा है, अच्छी ये कितना गंदा आवाज आता है। तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत गंदा फीलिंग होता है। आपको लगता है आप उनको क्लियर करो कि ये सब नहीं है ऐसा? हाँ दिल तो करता है, पर मैं बात नहीं, मैं मतलब ज़्यादातर बात मुझे करना अच्छा नहीं लगता है सबके साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा घुल मिल नहीं जाती हूँ इतना भी सबके साथ। अच्छा। तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ, पर मुझे कहने का दिल कर रहा है, करता है कभी कभार कि मैं जाके कहूँ कि ऐसा नहीं है, सब एक ही जैसे, सबको अपना मानो, भाई बहन समझ के एक साथ रहो। स्कूल में क्यों ऐसा? पर पता नहीं खाने के बारे में क्या मतलब? खाने के बारे में अगर हम लोग सब फ्रेंड एक साथ बैठ के खाते हैं, तो कोई कोई आके कहता है कि यार ये मुस्लिम है, इससे टिफिन मत लो, ये इससे बात मत करो, ये गंदा है, मम्मी ने कहा है कि इससे बात मत करने के लिए, मुस्लिम है ये, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड तो पायल है, क्या नाम था? साक्षी। साक्षी तो वो भी सुनती है ये सब? हाँ वो सुनती है, वो कहती है कि ऐसा नहीं है सर, मतलब उसका भी सेम टू सेम मेरे जैसा ही है, हम लोग का राय एकदम एक है, वो ऐसा कभी नहीं करते। तो वो आपको सपोर्ट करती है जब आपको कभी कभी ऐसे? हाँ। अगर आपको कभी पर्सनली कभी कुछ नहीं बोला, आप बस सुनती है? हाँ। ओके। और टीचर्स सही रहे? टीचर्स बहुत अच्छे हैं। क्लास में ऐसे कुछ नहीं? नहीं, ये सब चीज़ ये सब बच्चे आपस में करते हैं। हाँ, हाँ। एक दूसरे के साथ। और आपको क्यों लगता है कि बच्चे आपस में ऐसा सोचते होंगे कि ये टिफिन खराब है या अजान के बारे में? ये तो अपना अपना राय है ना, मुझे नहीं पता इसके बारे में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स के बीच तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हम लोग सब फ्रेंड है, और अगर आप एक फ्रेंड के सामने बोलोगे, मेरे सामने अगर बोलोगे कि इसका टिफिन मत खाओ, ये मुस्लिम है, इसकी मम्मी ऐसी बनाती है, तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता किसी को भी। टिफिन में क्या हमको पसंद नहीं है, खाने में क्या मतलब? मतलब कुछ भी मैं ले जाऊँ तो वो लोग बोलते हैं कि ये मुस्लिम है, इसका खाना मत खाओ, मेरा खाओ, मैं ही, लेकिन हम लोग खाना सेम ले जाते हैं, पर मेरा नहीं चाहिए, उसका ही चाहिए, क्योंकि वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, और किसी भी चीज़ बारे में बात करना चाहती हैं? और क्या, कोई इम्पोर्टेंट इशू जो आप लोगों को बताना चाहेंगी कि ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, इस पे ध्यान दो? हाँ, तो मुझे चाहिए ब्रिज। पहले ब्रिज बना दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, और ज़्यादातर ये जो मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मेरा पढ़ाई इसलिए बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, अभी तो लॉकडाउन है, अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, पर जब स्कूल खुल जाएगा फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा इतना सारा। और भाई जो भी यहाँ पे जीतता है, kindly make a bridge, very important. Yes. Please make a bridge. Yeah. Thank you so much हमसे बात करने के लिए। Welcome. A bridge between Nandigram and Haldia has been a long-standing poll promise. The left government promised one in 2007. That never happened. In 2021, the TMC government also promised a bridge between Nandigram and Haldia, though their manifesto is a little vague about it. The Prime Minister also made several speeches talking about infrastructure development around the Haldia port. That's Mangalchak in Nandigram, where we met Mehek and her family. And as things stand now, children like Mehek, who study in Haldia but live in Nandigram, have to take a ferry to cross the river to make it to school. We've done several stories from Nandigram, so please check them out on YouTube and newslaundry.com. We've done detailed stories on what happened during the poll day. We've also done one story from Nandigram on what the communal polarization has meant for residents, especially Muslim residents. When we were doing the story, we were speaking to a lot of Muslim families, and that's when we came across Mehek's family. They were very kind, they invited us to their home, gave us tea and snacks, and we met Mehek there and thought she's a very interesting person and decided to do an interview with her. After the very toxic campaign of Nandigram, where one side called the other Mir Jafar, the other one called them stuff like Begum, Phoopi and stuff like that, it was a welcome change to meet Mehek. She had really bright ideas. She's very articulate. She's someone who's very ambitious. And of course, we wish her all the best. And we hope there's a bridge made here. But she's also a great reminder of how we forget about main issues during elections and just try and make the whole thing about us versus them, or my party versus your party, or my identity versus your identity, while we're all really dealing with the same issues. If a bridge comes up here, Hindus and Muslims will use it. It'll benefit children
adults and everyone here, and that's what the focus should be really. That's what politicians should be talking about. That's what people should be urging their politicians to talk about. And that's what the media should be focusing on instead of lagaing ghee in more aag. So that was a little piece that we got for you from Nandigram. I hope you liked it. I hope you enjoyed our conversation with Mehak. We're able to do these things because we don't depend on advertisements. We're not doing, we're not standing in a charaha in Nandigram and getting one TMC worker, one BJP worker and making them fight. What we really try to do is get you a glimpse into people's lives here, what their concerns are, and of course, all the politics that's happening around that. I hope you liked our reporting so far from West Bengal. Please check out everything that we've done on YouTube. Check out newslaundry.com. We have a separate section on assembly elections. We've got reports from Kerala, from Tamil Nadu, from Assam, of course, from West Bengal. So please check them out, like them. And if you like what we do, please power our NL Sena project. That's what's really allowing us to do the work we're doing. So please power our NL Sena project. Subscribe to News Laundry. We don't depend on any advertisements, which is why we can get you voices like Mehak. Meanwhile, TV News ki dunya mein, same. सबसे बड़ा सवाल आज कि क्या भारतीय जनता पार्टी ममता को नंदीग्राम में उलझाकर बंगाल में जीत का डंका बजाना चाहती है? क्या ये कोई एक बहुत बड़ी टैक्टिक तो नहीं, पूछता है भारत। शांडिल्य गोत्र बताकर आपके 70% में सेंध लगा रही है ममता बनर्जी, और राम भक्तों को घटिया बताकर 30% अपना कंफर्म कर रही है। नंदीग्राम से अगर ममता जी हार जाएंगे, पंजा काट देगा मैं। आप अपना पंजा काट देगा, क्योंकि ये बंगाल है, जो ममता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मेरा यही प्रश्न है कि इस बार ये व्यवस्था क्यों है आपकी पार्टी की? आपको इस बात का डर है कि कहीं हिंदू वोट कंसोलिडेट ना हो जाए इनके फेवर में, और वो तभी होता है जब आपकी इमेज दिखे कि आप माइनॉरिटी के लिए ज्यादा काम करते हैं। नंदीग्राम इज एन इंटरेस्टिंग कंस्टिट्यूएंसी, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदू वोटर्स। ममता बनर्जी क्लियरली फीलिंग द नीड टू प्ले द हिंदू कार्ड। नंदीग्राम बोला जय श्री राम, टीएमसी का काम होगा तमाम। कुछ तो शर्म करो न्यूज वालों। दैट्स ऑल द न्यूसेंस वी हैव फॉर यू दिस वीक। वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक। अंटिल देन स्टे मैड, दैट्स द ओनली वे। अच्छा, कैन यू से वन थिंग फॉर मी? कैन यू से पे टू कीप न्यूज फ्री? पे टू कीप न्यूज फ्री। मैंने पता, मैंने क्या बताया आपको? मतलब न्यूज बना, न्यूज जब करना है तो पैसा नहीं देना। कह भी सकते हो, हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा स्लोगन हो सकता है हिंदी में, बट हम लोग जो जहाँ से मैं आई हूँ, हिंदी वाला, मेरे खर्च पे आजाद है खबरें, ये समझ आया स्लोगन? मेरे खर्च में आजाद है खबरें, नहीं फ्लॉप स्लोगन। दिस ब्राइट किड कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो मैं बताती हूँ हमारा सिस्टम क्या होता है। हम लोग न्यूज करते हैं, और न्यूज़ ज़्यादातर जो चैनल्स चलाते हैं उनको आप पैसा एडवर्टाइजमेंट से आता है ना। जैसे आप पॉन्ड्स का ऐड देखो, सनसिल्क का ऐड देखो, मोदी जी का ऐड देखो, ममता का ऐड देखो, तो वो पैसे उससे कमाते हैं। हम लोग ये एड्स नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये एड्स लेंगे तो हमें उनकी वाहवाही करनी पड़ेगी जिनसे हमें पैसे आ रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, मैं आपको पैसे दूँ, आप मेरी वाहवाही करोगे। मैंने आप पैसे नहीं लिए तो आप वाहवाही नहीं करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं अगर आप पैसे दें जो हमारा न्यूज़ देखते हैं तो आप हमें आजाद रखेंगे। अच्छा, ओके, थोड़ा समझ आया? ओके, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी बाद में। ओके ओके, थैंक यू, यू आर वेलकम।